हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ दो ऐसी सब्जियाँ जो कि हम लॉकडाउन में बना सकते हैं, जबकि हमारे पास सामान बहुत कम है, लिमिटेड है। उस टाइम पे हम किस तरह की रेसिपी बनाएं, वही आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने लिए यहाँ पे भिंडी, और मैंने भिंडी को थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है, लंबा काट के, और बीच से उसे चीरा लगा दिया है इस तरह से। और साथ ही मैंने टमाटर लिए हैं और हरी मिर्च ली है। मैं इसमें प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और सबसे पहले तो हमें भिंडी को भूनना है। सारी भिंडी को हम तेल डाल के, गर्म हो गया है मेरा तेल, और इसमें मैं भिंडी को भून लूँगी। उसके बाद फिर हम सारे मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, बेसन को मैंने भून के रख लिया है पहले से ही भुना हुआ बेसन है, मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो थोड़ा सा बेसन लिया मैंने, करीब 2 चम्मच के करीब, और उसे भून लिया है। तो सबसे पहले हम भिंडी को भून लेंगे और उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। और ये रेसिपी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना कि बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें यूज़ नहीं की गई हैं, और एक बहुत अच्छी रेसिपी हमारी बन के तैयार होती है। इस तरह की मैं दो रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत कम सामानों से अच्छी चीज़ बनाए हम घर पर, तो उसका भी कुछ अलग मज़ा होता है। एंड अब मैं थोड़ा सा तेल और डाल रही हूँ, क्योंकि तेल उसमें कम हो गया है अब। और अब मैं बेसिक मसाले डाल रही हूँ, जीरा, राई, हरी मिर्च, और साथ ही हींग भी डालूंगी। हींग को मैंने पीस के रखा है। इन्हें डालने के बाद और मैं इसमें डालूंगी मसाले, तो साथ ही साथ में इसमें डालते जाऊंगी धनिया पाउडर, और उसके बाद डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला और आमचूर पाउडर। इतनी चीज़ें मुझे इसमें डालना है। और इसके बाद मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे टमाटर। अभी मैंने आमचूर पाउडर नहीं डाला है, अभी मैंने टमाटर डाले हैं। टमाटर डाल के मैं इसे भूनूंगी, और जो मैंने बेसन को भून के रखा है इसे मैं इसमें डाल दूंगी। चाहे तो बेसन हम सबसे पहले भून के और उसके बाद मसाले ऐड कर सकते हैं। मैंने अलग से इसे भून के पहले ही रख लिया था, इसलिए आपको दिखा नहीं पाई। और अब लास्ट में आमचूर पाउडर डाल रही हूँ मैं। तो सारे मसाले हमारे, सब चीज़ें डाल दी हूँ मैंने, और सब मिलने के बाद नमक भी मैंने डाल दिया है। और अब मैं डालूंगी इसमें भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी है, इस भिंडी को डालकर, और सारी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, रेसिपी आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं और कौन सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, या किस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ जो आपको पसंद है। तो मैं उसे बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और सारे मसालों को मैंने सब डाल के और इसे ढक के रख दिया है। करीब मुझे 5 से 10 मिनट इसे पकाना है। तो देखिए, भिंडी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है हमारी, और सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब मैं लास्ट में इसमें हरी धनिया डालूंगी, और हमारी सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार है। जल्दी से बन जाने वाली और कम चीज़ों से बनने वाली ये सब्ज़ी मैंने बनाई है। अब मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए उसे भी हम आगे देख लेते हैं। ये सब्ज़ी तो मेरी बन गई है, और इसी तरह की कुछ और भी चीज़ें हम बना सकते हैं लॉकडाउन में, जब हमारे पास कम सामान है उस टाइम के लिए। तो अब देखिए, मैंने ली है एक कटोरी, और इसमें मैं ले रही हूँ दही। दही में 2 से 3 चम्मच के करीब दही ले रही हूँ, और दही में मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी आटा, बिल्कुल थोड़ा सा आटा मिलाना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, ताकि दही हमारा फटे ना, इसलिए आटा मिला रही हूँ मैं इसमें। तो इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, और मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे। और ये सब्ज़ी बना रही हूँ मैं पापड़ से, जो पापड़ की सब्ज़ी बनाई जाती है वो सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था मुझे आज की मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा चलिए ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने पापड़ को भून लिया है, ड्राई रोस्ट किया है मैंने, चाहे तो तल भी सकते हैं, लेकिन ड्राई रोस्ट कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है सब्ज़ी, तो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे हैं। और इन्हें हम टुकड़े कर लेंगे, इनके इस तरह से बारीक बारीक टुकड़े कर लेंगे। और अब तेल गर्म हो गया है, मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, साथ ही हींग भी डाला है, थोड़ा सा हींग डालना है हमें। और उसके बाद डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, मिर्च और हल्दी पाउडर, इन सबको डाल के हम भूनेंगे। और ये जो दही वाला मिक्सचर हमारा रखा है इसे डाल देंगे। ये बिल्कुल जल्दी से बनने वाली सब्ज़ी है। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला है, क्योंकि दही काफ़ी गाढ़ा था तो इसमें पानी डालना ज़रूरी है, और मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और नमक डाल के हम इसे थोड़ा पकाएंगे।
और उसके बाद फिर थोड़ा सा दही मैंने इसमें और डाला कि मुझे कम लग रही थी सब्जी, तो दही थोड़ा सा और डाला है, हल्दी भी डाल दिया है और नमक डाल के हम इसे थोड़ा देर पकने रखेंगे। बिल्कुल स्लो गैस पे हमें इसे पकाना है। और वैसे आटा डाला है तो दही फटेगा नहीं हमारा। और फिर लास्ट में मैं इसमें जो पापड़ हैं उन्हें डाल दूंगी। तो देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं जो पापड़ मेरे रखे हुए हैं भुने हुए हैं उन पापड़ों को इसमें डालूंगी और हरी धनिया से डाल के इसे मैं गार्निश कर दूंगी। तो मेरी दूसरी सब्जी भी बन के बिल्कुल रेडी है। इस तरह से कम चीज़ों से हम बहुत अच्छी रेसिपी भी तैयार कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ ना हो ज़्यादा बनाने के लिए। तो दाल मैंने पहले बना के रख ली थी, दाल मैंने सिंपल वाली दाल बनाई है एंड सब्जी बन गई है मेरी, दोनों सब्जी बन गई है। और मैंने चावल बनाया है जो जीता है वो बनाया है, हरी धनिए के साथ वाला वो बनाया है, साथ ही रोटी बनाई है सिंपल। और मैंने ये होममेड रसगुल्ले बनाए हैं घर पे ही छेना के। तो रेसिपी कैसी लगी आप लोग ज़रूर मुझे बताइए।